पैकिंग क्लिप मेकिंग बिजनेस। कमाए हर महीने 50 से 60 हजार रुपए, वो भी बेहद आसानी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा बिजनेस जिसकी डिमांड बहुत अधिक है लेकिन कंपटीशन बहुत कम। जिस तरह से ऑनलाइन डिलीवरी का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस बिजनेस का भविष्य भी सुनहरा रहने वाला है, क्योंकि जहां भी पैकिंग की बात आएगी वहां इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आज हम बात कर रहे हैं पैकिंग क्लिप की, जिसमें लागत कम है और मुनाफा प्रतिदिन कम से कम 2000। इस बिजनेस की खास बात यह है कि इस बिजनेस को करने के लिए ना किसी कर्मचारी की आवश्यकता होगी और ना ही किसी दुकान की। जी हाँ, ये सारा बिजनेस बस मशीन पर आधारित है और आपकी कार्यकुशलता और लगन पर। चलिए जानते हैं पैकिंग क्लिप मेकिंग बिजनेस को कैसे शुरू कर सकते हैं और मशीनें कहाँ से ले सकते हैं, मशीनों की लागत कितनी आएगी, सब जानकारी यहीं मिलेगी। ये पैकेजिंग इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद डिस्पोजेबल होने वाला है, इसलिए इसकी डिमांड बनी रहेगी। इस बिजनेस की खास बात यह है कि आप इंडिया में किसी भी जगह चले जाएं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह एक ही प्रोडक्ट चलता है। ये बिजनेस मशीन पर चलने वाला है। यदि आप दिन के 8 घंटे और महीने के 25 घंटे काम करते हैं तो हर महीने 25,000 से लेकर 30,000 तक आसानी से बना सकते हैं। मार्केट से रॉ मटेरियल आप 30 रुपए से लेकर 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ले सकते हैं। 5 रुपए से 6 रुपए आप रॉ मटेरियल के अलावा मान लें, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, बिजली का बिल, मशीनों का मेंटेनेंस, यदि कोई आदमी रखते हैं काम के लिए तो उसकी तनख्वाह, माल लाने और डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाने का किराया। यदि आप किसी दुकान को लेकर या जगह को किराए पर लेकर काम शुरू करते हैं तो उसका किराया आदि इस 5 से 6 रुपए प्रति किलो में कैलकुलेट हो जाएगा, यानी कि सारा कैलकुलेशन मिलाकर 37 से 38 रुपए प्रति किलो जो माल बनता है वो इंडिया के किसी भी मार्केट में आसानी से 42 से 45 रुपए में बिक जाता है, यानी पर किलोग्राम के हिसाब से 7 से 8 रुपए तक आपको नेट मार्जिन मिलता है। यदि आपने ये काम नया नया शुरू किया है और अभी सीख रहे हैं तो 4 से 5 रुपए प्रति किलो का मार्जिन भी मान सकते हैं। पैकिंग क्लिप मेकिंग मशीन में प्रोडक्शन की कैपेसिटी रोजाना 200 किलो से लेकर 500 किलो तक है। अब ये आपके काम के घंटों और मशीन की स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि आप प्रतिदिन कितना प्रोडक्शन करते हैं। सामान्यतः आप 8 घंटे काम करते हैं और मशीन की स्पीड मीडियम रखते हैं तो आप कम से कम 200 किलो प्रोडक्शन प्रतिदिन कर सकते हैं। इसी मशीन में यदि आप मशीन की स्पीड बढ़ाकर काम करते हैं तो आप कम से कम 500 किलो तक का प्रोडक्शन आराम से कर सकते हैं। अगर आपने मीडियम स्पीड में काम कर 200 किलो का प्रोडक्शन कर लिया तो इसमें 5 से 6 रुपए प्रति किलो मार्जिन रखते हैं तो आप प्रतिदिन 1,000 से 1,500 आराम से कमा सकते हैं। इस तरह से हर महीने आप 25,000 से 30,000 रुपए कम से कम कमा सकते हैं। वहीं यदि मशीन की स्पीड हाई रखते हैं और 8 घंटे से ज्यादा करते हैं तो 50 से 60 हजार रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। ये आंकड़ा जो है आपको एक मशीन के ऊपर और एक व्यक्ति का बताया जा रहा है। यदि आपका पूरा परिवार इसमें लगता है या आप कर्मचारी लगाते हैं तो समझ लीजिए कि आप हर महीने कितना कमाएंगे। कंपनियां कैसे आपकी मदद कर सकती हैं और कंपनियों की क्या भूमिका होती है आपके बिजनेस में। मैन्युफैक्चरर कंपनी शुरू में आपकी सहायता करती है, जैसे कि आपने एक बार प्रोडक्ट तैयार कर लिया, फिर आपने जहां से मशीन उठाई वहां कॉल किया कि माल तैयार है, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लाएं। मैन्युफैक्चरर कंपनी आपकी बात पैकेजिंग कंपनी से करवाती है। एक बार आपने कॉन्टैक्ट बना लिया फिर आप सीधे संपर्क करके अपना माल बेच सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर स्वयं भी ढूंढ सकते हैं, इसके लिए आपको कुरियर कंपनी, पैकेजिंग कंपनी आदि से संपर्क साधना होगा। कोरोना काल में इस बिजनेस को कोई नुकसान हुआ? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये बिजनेस पैकेजिंग क्लिप बनाने में काम करता है। तो फार्मा सेक्टर, फूड सेक्टर, ग्रोसरी सेक्टर आदि ऐसे सेक्टर हैं जो आम आदमी के जीवन यापन के लिए आवश्यक हैं, उन सभी को कभी भी हानि नहीं हुई है। और जहां भी पैकेजिंग की बात आएगी तो इस बिजनेस का सफल होना तय है, ना कि मंदा होना। आप इस बिजनेस को कितने लागत में शुरू कर सकते हैं? इस बिजनेस को शुरू करने के लिए कम से कम 1 लाख की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप सस्ती मशीन भी खरीदते हैं तो आपको 1 लाख का बजट बनाकर चलना होगा और 15 से 20 हजार रॉ मटेरियल में खर्च करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आप कम से कम 1,00,000 से 50,000 में इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। प्रति मशीन और प्रति व्यक्ति 25,000 से लेकर 30,000 तक हर महीने कमा सकते हैं, वो भी महीने के 25 दिन और प्रतिदिन के केवल 8 घंटे काम करके। इससे अधिक कमाना है तो आप कोई कर्मचारी या परिवार का सदस्य रख सकते हैं जो 8-8 घंटे की शिफ्ट कर सके या फिर मशीनें बढ़ा सकते हैं। बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करने के लिए आपको एक बड़ी सी जगह, दुकान या मैदान की आवश्यकता होगी, जिससे एक साथ आप 2 से ज्यादा मशीनें लगा सके और 2 से ज्यादा कर्मचारी काम पर रख सके। इससे प्रोडक्शन भी हाई होगा और कमाई भी अधिक। ध्यान दें, आपका ये बिजनेस प्रोडक्शन पर आधारित है, जितना अधिक प्रोडक्शन उतना अधिक मुनाफा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।